हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस फॉर यूपीएससी ईपीएफओ करेंगे हम। ऑलराइट, एंड ये जो सेशन है, हालांकि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है, पर इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, दे कैन बी वेरी यूजफुल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक सीडीएस, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। आप अगर स्टेट सर्विसेज जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्टेट के बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पर सब पर जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इन सब पेपर्स के, तो ऑटोमेटिकली इनकी तैयारी तो आपकी होगी ही होगी। तो अगर आप ईपीएफओ का पेपर नहीं भी दे रहे हो, तब भी ये आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज आईएएस वालों से इतने डीप जनरल साइंस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इस तरह के, तो वो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। ऑलराइट, चलिए तो देखें, अब एक एक करके सवाल देखेंगे। 5 क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं, और अब जो हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर एनडीए 1 फॉर 2021, जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो 2021 में हुआ था अराउंड जनवरी फरवरी में, वो वाला पेपर में से अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में 5 ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए। और मैं आपको पहले ही एक चीज़ और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के ऐसे होते हैं जिसको हम मोटा मोटा बस एक तरह से देख लेते हैं और याद करने की कोशिश कर लेनी है, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस उन बच्चों पर करती है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है। और अपने को आइंस्टाइन नहीं बनना, ना अपने को आईआईटी का पेपर देना है, ठीक है, ना अपने को जो है नीट का पेपर देना है। ऑलराइट, अपने को तो बस ईपीएफओ या सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, उसके लिए अपने को बेसिक नॉलेज चाहिए। ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे तो अपन फंस जाएंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन एग्जॉस्फेयर इज, इसको आप ज्योग्राफी का भी ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हो, पर ये साइंस बुक्स में भी आपको मेंशन मिलता है जब गैसेस वगैरह की हम पढ़ाई कर रहे होते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में, इसीलिए इसको ज्योग्राफी और साइंस दोनों में हम जो है वो रख सकते हैं। ओके, तो बच्चे ये ना कहें कि सर ईपीएफओ में ज्योग्राफी तो है ही नहीं, तो आपने गलत सवाल पूछ लिया, ठीक है जी। तो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज एग्जॉस्फेयर जो है उसमें आपको कौन सी गैसेज मिलेंगी, देखो आपको पता है ना एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर होता है, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उनको बता देता हूँ। एटमोसफेयर जो है आपका, जो वायुमंडल है पृथ्वी का, वो अलग अलग लेयर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आ जाती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर आप ब्रीद कर रहे हो वो ट्रोपोस्फेयर है। फिर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर आपकी ओजोन लेयर मिलती है। फिर आ जाती है मेसोस्फेयर, उसके ऊपर आ जाती है थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर आ जाती है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर जो होती है ना, ये अर्थ और स्पेस दोनों में होती है, यानी कि आप एक तरह से लगा लो ये अगर अर्थ है तो ये यहाँ पर होगी एग्जॉस्फेयर, स्पेस और अर्थ दोनों को जो है एक तरह से मिला रही है ये पर्टिकुलर लेयर। तो इस लेयर में कौन सी गैसेज होती हैं, हीलियम हाइड्रोजन, नियोन ऑक्सीजन, नियोन हाइड्रोजन, या फिर हीलियम एंड नियन। अगर पता है तभी आंसर हो सकता है, तुक्के इसमें नहीं चलेंगे। आंसर इस केस में होगा ऑप्शन ए, हीलियम और हाइड्रोजन जो है ये दो गैसेज आपको एग्जॉस्फेयर लेयर में मिलती हैं। ओके, सो अपर मोस्ट लेयर है एटमोसफेयर की, वेरी थिन लेयर यहाँ पर होती है, और आपको यहाँ पर गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट होती हुई, जो स्पेस से फ्लोट होकर के आ रही हैं, वो गैसेस यहाँ पर आपको दिखेंगी। ओके, तो सिंपल सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस गैसेस याद कर लेनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंस अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, इनमें से किसको रॉ मटेरियल की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाता ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में। Once again, either you know it or you don't. A soda, B alumina, C borax and D is gypsum. So, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी alumina. ठीक है, alumina will be the correct answer, जो aluminium ore होता है। Alright, उसको आप glass manufacturing में इस्तेमाल नहीं करते, उसके अलावा soda जो है, borax जो है, gypsum जो है, ये सब use होते हैं। Borax जो है ये आपका एक special type of glass के लिए use होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ जो फायर रेजिस्टेंट वगैरह जो ग्लासेस होते हैं उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में बोरेक्स यूज होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखो कितना सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, सारे 6th टू 10th क्लास की, या एक आधा क्वेश्चन प्लस 1 प्लस 2 की एनसीईआरटी से, नहीं तो सारे 6th टू 10th क्लास की एनसीईआरटी से मिलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, सी यू एस एन, एफ ई जेड एन, पी बी एस एन और ए जी और जेड एन, बताइए कॉपर इनमें से किसका अलॉय होता है।
देखो ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी देखो जैसे शोल्डर का एलॉय आपसे पूछ लिया, ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे किसी और चीज का एलॉय पूछ लें, है ना। तो ये एलॉयज जो हैं आपकी, जब आप पढ़ते हो, अपनी केमिस्ट्री पढ़ते हो, एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं पढ़ते हो, उसमें आपको इजीली जो है ये कवर हो जाता है। ऑलराइट। अब जैसे और एक चीज और, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम आपको पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको नाम नहीं दिए हुए, उनके केमिकल नेम्स दिए हुए हैं, केमिकल एलिमेंट दिए हुए हैं। अब सीयू क्या होता है? सीयू होता है कॉपर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एसएन क्या होता है? टिन होता है। एफई आपको पता है क्या होता है? आयरन होता है। जेडएन आपको पता है क्या होता है? जिंक होता है। पीबी आपको पता है क्या होता है? लेड होता है, ठीक है, एसएन टिन बता ही चुका हूँ। एजी आपको पता है क्या होता है? सिल्वर होता है। तो किन दो एलिमेंट्स से, और एलॉय क्या होता है? जिसमें दो एलिमेंट्स या दो मेटल्स मिला करके एक बनाया जाए तो उसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इस केस में क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सॉरी, लेड और टिन, लेड और टिन से आपका जो है सोल्डर प्रिपेयर होता है। ऑल राइट। सो सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो केमिकल नेम और जो नेम है वो आपको दोनों पता होना चाहिए। और इसका जो सोल्डर की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, जैसे इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स के। क्वेश्चन को दूसरी तरीके से किस तरह से फॉर्म किया जा सकता था? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट दे देते कि ये इन दो एलिमेंट्स का अलॉय है, फॉर एग्जाम्पल पीबी और एसएन का ही दे देते। दूसरी स्टेटमेंट दे देते कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट दे देते कि इट इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। तीन स्टेटमेंट दे देते, ऑप्शन दे देते आपको ए फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, बी दे देते 1 एंड 3, सी दे देते 1 ओनली, डी दे देते 3 ओनली, ठीक है। इस तरह से भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो स्टेटमेंट बेस्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 हो जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से अपने आपको तैयार रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू साइंस? लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इनमें से कौन सा होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो जा सकता है वो कितना जा सकता है? देखो फैक्ट है क्वेश्चन में, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। दो इसके पीछे पूरी की पूरी एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है, लेकिन उस थ्योरी में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थ्योरी में इतना डिटेल में ईपीएफओ में नहीं पूछा जाएगा सवाल, है ना। तो उसमें हमें घुसने की जरूरत भी नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। और ये किसने कहा है? ये चार्ल्स लॉ है एक, जो हमें ये बताता है कि जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कई बच्चे ना इस क्वेश्चन में तुक्का लगाया है, जिनसे मेरी बात हुई, जैसे एनडीए के बच्चे थे, मैंने पूछा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कैसे किया? कहते सर सबसे कम ही -273 डिग्री लग रहा था, तो ऑप्शन हमने उसी हिसाब से ही लगा लिया कि -273 डिग्री सबसे ज्यादा कम है तो यही होगा आंसर। ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर वो आंसर दे देता सी की, सी में -173 की जगह -373 डिग्री लिख देता तो भी आंसर क्या होता? डी होता। फिर उस केस में क्या करते? चलो यहाँ पर तो तुक्का आपका सेट बैठ गया कि 0, 0 से कम -73, -73 से कम -173, -173 से कम -273, पर उसने ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन सा सबसे कम टेम्परेचर होगा। उसने ये पूछा है कि लोएस्ट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस, और साइंस किसने दिया? चार्ल्स लॉ ने, कि भाई जो सबसे कम टेम्परेचर जा सकता है वो -273 है, उससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से तुक्केबाजी के साथ अगर आंसर करोगे पेपर में तो ठीक है, चांस है कि ठीक हो जाए, पर चांस है कि गलत भी हो जाए। ऑल राइट, चलो ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। न्यूमेरिकली टू थर्मोमीटर्स, अब आपके पास दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर और एक होता है सेल्सियस थर्मोमीटर, ठीक है। ये दोनों थर्मोमीटर सेम रीडिंग कब देंगे? जनरली जो है थर्मोमीटर्स डिफरेंट रीडिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना फीवर चेक करो फ़ारेनहाइट स्केल पे, वो क्या नॉर्मल फीवर बताएगा 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आप सेल्सियस स्केल पे चेक करोगे वो बताएगा 37.1 डिग्री सेल्सियस। सेम बॉडी टेम्परेचर अलग अलग रीडिंग देते हैं, ठीक है, लेकिन किस टेम्परेचर के ऊपर ये रीडिंग सेम देंगे, ठीक है, किस टेम्परेचर के ऊपर रीडिंग सेम देंगे? -40 डिग्री, 0 डिग्री, -273 डिग्री या 100 डिग्री? मतलब कहने का क्या है कि अगर 0 डिग्री पे है तो फ़ारेनहाइट स्केल भी 0 डिग्री दिखा रहा है
और सेल्सियस स्केल भी 0 डिग्री दिखा रहा है, -40 डिग्री पे सेल्सियस भी -40 दिखा रहा है, फ़ारेनहाइट पे भी -40 दिखा रहा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेम रीडिंग आएगी? वंस अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, और सेम चैप्टर में से, जहां से पिछला क्वेश्चन उठाया उसी चैप्टर में से उन्होंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया। चलो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री के ऊपर फ़ारेनहाइट स्केल भी -40 दिखाएगा और सेल्सियस स्केल भी -40 दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सेल्सियस स्केल इंट्रोड्यूस किसने किया था? एंड्रेस सेल्सियस ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑल राइट, एंड ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का कितना दिखाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जो है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया था, और ये जो स्केल है ये बॉइलिंग पॉइंट कितने उस पर दिखाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है सीधा सीधा। देखो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, ये सबको याद होता है। याद क्या नहीं होता कि फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है और मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग टेम्परेचर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और मेल्टिंग पॉइंट आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। ओके, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो अगर आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहो तो ये रिलेशन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। F-32/180 = °C/100। ऑल राइट, ये आपको काम आएगा उसमें भी, कि अगर आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, आपके पास कोई फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, आप सेल्सियस में कैलकुलेट करना चाहते हो, या आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है आप फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो सीधा सीधा इसमें सवाल वो पूछ सकता है कि हाँ भैया ये डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, इसको ये सेल्सियस स्केल पे कितना शो करेगा। तो ये फॉर्मूला लगा के आपका निकल जाएगा इजीली, F-32/180 = °C/100। ओके, और इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो है इक्वल आएंगे। क्या सपोज करके कि वो जो टेम्परेचर है जिसपे ये स्केल इक्वल रीडिंग करेगा उसको हमने दोनों को एक्स पुट कर दिया, और फिर इस फॉर्मूले से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली तो वो 40 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये डिराइव करने को आपको कोई नहीं कहेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं इस पे पिछले सालों में सवाल कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, चलो तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों खत्म हो गए हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और बहुत से नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एक आइडिया लगा होगा। NCERTs पढ़ने के बाद साइंस की जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है, उनको आइडिया नहीं लग पाता कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस भी आपने देख लिए तो आपको पता चल जाएगा बेटर वे में कि किस तरह से मैंने पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, एंड करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो हैं, पास्ट करंट अफेयर्स जो जनवरी से हमने शुरू किए हैं वो भी वीडियोस रेगुलरली डल रहे हैं। उसके अलावा डेली करंट अफेयर की भी वीडियो अब आ रही है, ठीक है, जिसमें हम MCQ डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। लाइव सेशन होता है 9:15 रात को, 9:15 रात को होता है, तो वो आप ज़रूर देखिए, उसमें जुड़िए, अपने डाउट्स भी पूछिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।